अगर उन्होंने ऐसे बताया कि भाई वो उसके ख्वाबों में आता था खिलजी, और फिर जो है उनका अफेयर था, अगर इस तरह की कमीनी हरकत उन्होंने करी तो मैं आपको बता दूं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप सब मेरा साथ देना, मैं भाई साहब हम मर्द आदमी हैं, हम किसी के साथ नहीं, हम ईश्वर की कृपा से खुद डिसीजन लेने वाले आदमी हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं धरना प्रदर्शन वाला भी आदमी नहीं हूं, हम ऐसा नहीं करेंगे कि धरने वरने करेंगे। मैं उसको वहीं बॉम्बे में जाके चार झापड़ मारूंगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। मैं धरना प्रदर्शन वाला आदमी नहीं हूं। जो मुझे तब से जो सेंसर बोर्ड है, ये जितनी भी हानियां हुई हैं जो हमारे समाज को है, मेरी सेंसर बोर्ड से रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये जितना हर्जाना जो बनता है ये भंसाली जैसे लोगों से लिया जाए, और जहाँ पे कोई नुकसान हुआ है हमारे समाज का उन लोगों को दिया जाए। और समाज से रिक्वेस्ट है कि कोई भी इस फिल्म को देखने के लिए ना जाए। और एक ही एक लाइन में जो मैं अपने शब्द को बोलना चाहूँगा वो ये है कि ना हम देखेंगे और ना किसी को देखने देंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भंसाली जी को आर्थिक नुकसान हो, जिससे कि कभी वो ऐसी कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट ना करें पैसे कमाने के लिए, क्योंकि सारी चाल सिर्फ पैसे कमाने का है।